नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछला वीडियो मैंने दिया था किस तरह से आयुष मंत्रालय ने अपनी आयुर्वेदिक गाइडलाइंस जारी की थी कोरोना वायरस से बचाव के लिए। तो उसमें मैंने कहा था कि भारत में कोरोना वायरस दूसरे और तीसरे स्टेज के बीच में है। काफ़ी लोगों को आपने ये कहते भी सुना होगा कि ये दूसरा स्टेज क्या होता है, तीसरा स्टेज क्या होता है। तो आज हम अपना वीडियो इसी पर लेकर के आए हैं कि कोरोना वायरस की कितनी स्टेजेस होती हैं और किस स्टेज में क्या होता है। कोरोना वायरस की मैं बता दूं आपको, चार स्टेजेस होती हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री और स्टेज फोर। पहली स्टेज में कोरोना वायरस, आपने सुना होगा, विदेशों से आए लोग और हवाई जहाज में बैठकर कोरोना वायरस भारत में आया। तो पहली स्टेज में क्या होता है, कहीं बाहर से ये वायरस और किसी दूसरे स्थान से ट्रांसफर कर, यानी विदेश से आकर के उस देश में जहाँ पे इसकी कोई भनक नहीं होती है, कोई भी केसेस नहीं होते हैं, वहाँ पे आके बाहर का आदमी यहाँ पे उसको वायरस होता है, उसको उसके लक्षण होते हैं और वो उस चीज़ से अवेयर नहीं होता है और वो अपने देश वापस आ जाता है। वहाँ पर आकर के उसको पता नहीं होता है, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएँ जो होती हैं वो चेकअप वगैरह नहीं होता है, जब खुलता है तो पता लगता है, ये होती है पहली स्टेज। अब बात करते हैं दूसरी स्टेज क्या होती है। दूसरी स्टेज में उस संक्रमित व्यक्ति से ये वायरस एक दूसरे में फैलता है। अब जब दूसरे, यूजुअली ये फ्रेंड्स होते हैं, आपके फैमिली होते हैं, आपके घर में आपके भाई बहन माता पिता, आपके दोस्त सगे संबंधी रिश्तेदार, ये लोग आते हैं दूसरी स्टेज में, यानी वो व्यक्ति जो बाहर से आया हुआ है उसने आकर के इन लोगों से हो जाता है। इस दूसरी स्टेज में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जागरूक हो जाती हैं, जो स्थानीय सरकार होती है वो इसके अपने अंडर में ले लेती है, इसके गाइडलाइंस जारी करती है, इसके बारे में पूरी आपको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराती है। ये दूसरी स्टेज होती है, यानी यहाँ पे खतरा कम होता है लेकिन फैलने लगता है लोगों को। इसमें सोर्सेस का पता लगाया जा सकता है कि किस आदमी को कहाँ से ये वायरस फैला। अब बात करते हैं तीसरी स्टेज की। तीसरी स्टेज जो कहते हैं, आपने सुना होगा कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड यानी कि इसमें यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि वायरस कहां से फैला, उसका सोर्स क्या था। जैसे एक से दूसरे में हुआ, दूसरे से तीसरे में हुआ, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, पांचवें से छठवें में, यानी ये एक पूरी चेन बना करके चलता है। तो उस चेन में यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि यह सोर्स आया कहां से है, इसका सोर्स क्या है। ऐसे में सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। अगर इसको सजगता से और सही तरीके से फैसले लेकर के किया जाए तो इस सिचुएशन को भी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब आती है इसकी चौथी स्टेज। चौथी स्टेज जो कि आपने वुहान शहर में देखा होगा, चौथी स्टेज में ये वायरस इतनी तेजी से फैलता है, यहाँ पे सोर्सेस तो पता ही नहीं लगा सकते आप। बाकी इसके सामने जो भी गाइडलाइंस होती है, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, वो सब इसके आगे घुटने टेक देती हैं। चौथी स्टेज में काफ़ी सारे लोगों की मौत होने लगती है, संक्रमित भी होते हैं और सोर्स का पता लगाना बहुत मुश्किल है। चौथी स्टेज में स्वास्थ्य सेवाएं कुछ असर नहीं करती हैं, सरकारें अपने घुटने टेकने लगती हैं और उसके साथ ही ये वायरस का एक, जिसको कहते हैं एक्सट्रीम लेवल जो होता है, वो इस चौथी स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दूं, अगर दूसरी स्टेज की बात करें तो मोटा मोटा आप समझ सकते हैं, भारत, खैर दिल्ली एम्स के निदेशक ने ये बात कही है कि भारत में दूसरे और तीसरे स्टेज के बीच हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ शहर भारत के ऐसे हैं जो दूसरे स्टेज में हैं और भारत में कुछ शहर ऐसे आ गए हैं जो तीसरे स्टेज में हैं। तो उसको मिलाकर के हम कहते हैं कि भारत में वायरस दूसरे से तीसरे स्टेज के बीच में है। उसी तरह अगर हम तीसरे स्टेज की बात करें, फुल्ली थर्ड स्टेज की बात करें, तो यहाँ पे इटली और स्पेन जैसे देश हैं और चौथे स्टेज में चीन का वुहान शहर आता है। तो इसीलिए आपको ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जानकारी भी एक तरीके से आप उसको भी एक हथियार बना सकते हैं। तो ये जानकारी आप खुद तक ना रखिए, दूसरों को भी इसके बारे में बताइए, उनको भी बताइए किस तरह से क्या स्टेजेस होती हैं। और पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम आपसे फिर से अपील करते हैं, आप घर में ही रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बाहर खतरा ना खुद मोल लीजिए, ना दूसरों को मोल लेने दीजिए। तब तक के लिए ऐसी कोई भी जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी होगी वो हम बिल्कुल लेकर के आएंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।